हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबके साथ। अब हम करने वाले हैं नेशनल इनकम का लास्ट मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। भाई आपको इस मेथड को पढ़ते हुए एक क्वेश्चन आया माइंड में कि नहीं आया, आपके दिमाग में ये आया कि नहीं आया कि हम नेशनल इनकम पता कर रहे हैं एक्सपेंडिचर के बेसिस, खर्चों के बेसिस पे आप इनकम को पता कर रहे हैं। कैसे, क्या ये पॉसिबल है कि खर्चों से हम इनकम पता कर सकते हैं? सोचा? Yes, possible है। कैसे? देखो, अगर मान लो मिस्टर ए के पास में गया, मैंने ये पूछा कि आपकी इनकम कितनी है, तो मिस्टर ए ने मुझसे इनकम छुपाई। अब मुझे लगा कि मिस्टर ए बताने वाला नहीं है, तो मैंने क्या बताया कि आप ये बताइए कि आपका एक्सपेंडिचर कितना है, आपका खर्चा कितना है, बस ये बता दीजिए, इनकम से मुझे कोई लेना देना नहीं है आपका। तो मिस्टर ए को शो ऑफ करने की आदत थी, तो मिस्टर ए ने बोला, बढ़ा चढ़ा के भी बोला साथ में, और बिल्कुल जो सच था वो भी बोला कि इतना खर्चा मेरी वाइफ पे है, शॉपिंग करनी है, वो करना है, सो करना है, ठीक है, और बच्चों पे इतना खर्चा है, स्कूल्स में मैंने इस स्कूल में बच्चा डाला है, इतनी फीस उसकी है, ठीक है, तो मेरा ईयरली खर्चा लगभग 15 लाख तक आ जाता है। तो वहां पे क्या बताया उसने, सोचो, उसने अपनी इनकम के बारे में बता दिया, खर्चों के बेसिस पे मैं इनकम पता कर दूंगा उसकी। कैसे? अगर उसने 15 लाख रुपए का खर्चा साल में किया है, इसका मतलब उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 15 लाख प्लस। अगर वो 15 लाख का खर्चा कर रहा है, अगर वो 15 लाख कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब कुछ उसने सेव भी किया होगा। तो अगर उसने सेव किया, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तो मैंने इनडायरेक्टली ये पता कर दिया खर्चों के बेसिस पे कि उसकी इनकम कितनी है। तो आप अब दिमाग में डाल दो कि भाई खर्चों के बेसिस पे भी हम इनकम को पता कर सकते हैं। जब एक इंसान की उसके खर्चों के बेसिस पे इनकम को पता कर सकते हैं, तो एक देश की इनकम को भी खर्चों के बेसिस पे पता कर सकते हैं। उस देश के खर्चे कितने हैं वो पता करो, उससे ये पता लग जाएगा कि उस देश की इनकम कितनी है। तो वो ये एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर आपने क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर आपने नेशनल इनकम पता करनी है। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या करता है, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे एक नेशन की इनकम को बताता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस मेथड को। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इजीली मैंने बताया, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि खर्चों के बेसिस पे भी हम इनकम निकाल सकते हैं, वो चाहे एक इंडिविजुअल की हो, वो चाहे एक नेशन की हो। तो यहां पे मेथड पे आते हैं। सबसे पहले मीनिंग, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। बता दिया मैंने कि एक्सपेंडिचर के बेसिस पे इस मेथड में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में, एक लेखा वर्ष में, एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे जो फाइनल कंजम्पशन, फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, फाइनल खर्च जो होता है, मतलब इकोनॉमी में प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर होता है, उस एक्सपेंडिचर के बेस पे हम क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं इस मेथड, समझ गए। फिर उसके बाद फाइनल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो आपका फाइनल एक्सपेंडिचर, इसमें दो चीजें आएगी, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या आएगा आपका, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर फाइनल एक्सपेंडिचर अगर हम थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करके पढ़े, थोड़ा सा इसको बड़ा करके पढ़े, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, अगर इसको फर्दर क्लासिफाई करें फाइनल एक्सपेंडिचर को, तो इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो इसमें पांच चीजें आ गई है। फाइनल एक्सपेंडिचर में आपकी कितनी चीजें आ गई, पांच, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये आपके पास आ गए।
अब अगर आप एक एक को इनको पढ़े कि ये जो चीजें ये है क्या है, ये फाइनल एक्सपेंडिचर में क्यों आई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल, एक्सपेंडिचर ऑन expenditure on final goods and services by the individual, एक individual ने final goods and services पे कितना expenditure किया है, या फिर एक household ने final goods and services पे कितना expenditure किया है, या फिर किसी non-profit private institution ने consumption पे कितना खर्चा किया है। जो private जो आपका नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो सर्व कर रहा है सोसाइटी को, अगर उसने कंजम्पशन पे क्या किया है, खर्चा किया है, तो वो भी किसमें इंक्लूड होगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ गया, इंडिविजुअल ने खर्चा किया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ गया, हाउसहोल्ड ने किया या फिर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने किया, तो सारे का सारा किसमें आ जाएगा? आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि एक्सपेंडिचर को जोड़ के ही हम नेशनल इनकम पता करेंगे, तो एक्सपेंडिचर हमें पता होना चाहिए किस किस का एक्सपेंडिचर जोड़ के हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम पता करेंगे। तो सबसे पहले आ गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है किन किन चीजों पर होगा? सबसे पहले कंज्यूमर सर्विसेज, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अगर ये कंज्यूमर सर्विसेज पे खर्चा कर रहे हैं तो वो भी क्या आ गया, इसमें आ गया। जो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, ये कंज्यूम क्या करेंगे, कंजम्पशन कंज्यूमर सर्विसेज या कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल होती है जैसे मशीन, कंज्यूमर ने खर्चा किया मशीन पे, या फिर जैसे नॉर्मली ले लो ना वॉशिंग मशीन होगी, ठीक है, इस टाइप, या फर्नीचर पे खर्चा कर दिया कंज्यूमर ने, तो वो आ गया आपका कौन सी, ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल क्या होती है, आपकी मिल्क हो गया, इस टाइप की जो चीजें होगी वो क्या आ गई आपकी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो इस पे किया गया खर्चा जो है या कंज्यूमर सर्विसेज पे या कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे जो खर्चा किया है वो इंक्लूड किसमें हो जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना एक्सपेंडिचर किया उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट क्यों करती है, फॉर एग्जांपल लाइक एक्सपेंडिचर ऑन purchase of goods for consumption by the defense personnel, defense personnel के लिए जो goods and services purchase करती है government, उनके consumption के लिए वो भी किसमें आ गई, government final consumption expenditure। इसका example है gross fixed investment, जिसको हम क्या बोलते हैं, gross fixed capital formation भी बोलते हैं। gross fixed investment, fixed investment पता लग रहा है कि fixed assets में invest किया है, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। जब फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो इसलिए इसको ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की जगह क्या लिया, कैपिटल फॉर्मेशन। तो समझ आया कि जो आपका कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल। रियल कैपिटल का मतलब है assets, fixed assets, उनके stock में वृद्धि, उनके stock में increase, उसको क्या बोलेंगे, capital formation। तो यहाँ पे मतलब ये fixed investment या फिर fixed capital formation, तो ये की बात है, ये gross fixed investment को हम gross fixed capital formation भी बोलते हैं। capital formation का मतलब होता है increase in the stock of real capital is known as capital formation। real जो आपके कैपिटल है उसमें क्या आएगा, कैपिटल गुड्स आ सकते हैं। कैपिटल गुड्स में क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट्स आ गया आपके, ठीक है, जैसे मशीनरी, प्लांट, फैक्ट्रीज, इस टाइप में, ठीक है, समझ गया। फिर तो इसको ये बोल सकते हैं, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलता है, जो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर व्हिच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। भाई याद रखना कि जब ग्रॉस गुड्स होता है इसका मतलब उसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अगर आपने नेट निकालना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करनी पड़ेगी, पर आपको जरूरत
नहीं बढ़ेगी। तो याद रखना कि ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर व्हिच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। अब जो आपका ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो क्या क्या है और कौन कौन करता है, जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो कौन कौन करता है। फर्स्ट आएगा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस भी क्या करता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है। हुआ तो जब इन्वेस्टमेंट करेगा वो तो मतलब जो एक्सपेंडिचर होता है वो दो फॉर्म में हो सकता है, तो कंजम्पशन की फॉर्म में या फिर इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। तो जो ये एक्सपेंडिचर हो रहा है इस टाइम, ये हो रहा है इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। बताया था कि फाइनल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे इनकम निकालते हैं। तो एक्सपेंडिचर होता कितने टाइप का है, वो दो टाइप का है, कंजम्पशन दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन वाला यहां आ गया, अब इन्वेस्टमेंट चल पड़ा। तो ये बोलता है कि ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपको पता है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ये बोलता है कि इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर व्हिच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। तो जो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो कौन कौन करता है, बिजनेस करता है, हाउस होल्ड करता है और गवर्नमेंट करती है। बिजनेस करता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड करता है और गवर्नमेंट करती है। बिजनेस किस फॉर्म में करता है, मशीनरीज, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज एटसेट्रा। बिजनेस किसमें इन्वेस्ट करता है, मशीनरीज में करता है, प्लांट्स करते हैं आपके, ठीक है। इस टाइप के जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और हाउस होल्ड भी करता है, देखो इन्वेस्टमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस। रेजिडेंशियल हाउसेस की कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर रहा है कौन, हाउस होल्ड सेक्टर। तो वो भी क्या आ गया, कैपिटल फॉर्मेशन में आ गया, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है। किस फॉर्म, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ब्रिजेस एटसेट्रा। मतलब कि इन जो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तीनों करते हैं, देखो कौन सा, बिजनेस, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट। बिजनेस करता है कोई नई फैक्ट्री का दी, नई मशीनरी कर दी, नई बिल्डिंग तैयार कर दी, समझ गया आप। और जो आपका हाउस होल्ड है वो रेजिडेंशियल हाउसेस को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो किसमें आ गया आपका, हाउस होल्ड में आ गया। फिर गवर्नमेंट भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है, स्कूल्स खोल रही है नए, ठीक है, और आपका जैसे ब्रिजेस बन रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, ये सारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तो है। तो इसलिए जो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, देखो जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी तब भी क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो इसलिए ये एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। फिर उसके बाद चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आपका कैसे निकलेगा, चेंज इन स्टॉक आपका रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स तीनों है इसमें, और निकलेगा कैसे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और लास्ट है इसमें नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट आपके कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, जितना एक्सपोर्ट किया है और माइनस जितना इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये आ गया इसमें। अब इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है इसमें, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आपने जो पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पर मैंने क्या कर दिया इसको पांच पार्ट्स में पढ़ा दिया होगा, आपने सिर्फ तीन पार्ट में स्टडी किया होगा। तो आप इसको छोटा कर दो, कैसे, देखो सम ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो ये पार्ट फोर है, कौन सा पार्ट फोर, पार्ट थ्री, ये वाला जो पार्ट है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक, और जो आपका फोर्थ पार्ट है, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपके पास क्या मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपने समझ आया कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीजों का समय, एक तो आपका ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्या चीज, स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो दो चीजों को जोड़ के क्या बनाइए, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब थर्ड, या सीधा सीधा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो याद रखना कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, जो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, वो दो चीजों का जोड़ है, एक तो ग्रॉस
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो याद रखना दो चीजों के संपर्क क्या होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो याद रखेंगे भैया अगर हम थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दें तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। याद करके जाओ, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक, आपके लिए फिक्स्ड वैसे कम आएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा होगा आपके लिए। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन में आएगा उसमें ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ही होगा, कम से कम होगा, आपके लिए ज्यादा जो होगा वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर हम दो चीजों को ऐड कर दें, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कर दें उसमें चेंज इन स्टॉक, तो क्या बन जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको आज के बाद माइंड में बिठा देना ये चीज कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया है तो वो दो चीजों का सम है, क्या क्या, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, समझ गए। फिर लास्ट की वजह इसका वो है नेट एक्सपोर्ट्स, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स हो गया, ये इतना चलिए बता दिया था मैंने आपको, ये भी बता दिया। अब अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो आपका जीडीपी एट एमपी निकलेगा, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो जीडीपी एट एमपी निकलेगा वो निकलेगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये दो चीजों का सम होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो चीजों का सम होगा, किस किसका, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स। तो चार चीजें आपने याद रखनी है इस क्वेश्चन, इस मेथड से क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ आपने चार चीजें याद रखी। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस करना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस करना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया तो अलग अलग दो चीजें दी होगी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक अलग से दिया होगा। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया तो ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आप निकाल सकते हैं। और फिर लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स, वो निकलेगा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, उससे क्या निकल जाएगा आपके पास, जीडीपी एट एमपी। जब जीडीपी एट एमपी आपके पास आ जाएगा तो जीडीपी एट एमपी से आपको कहां जाना है, एनएनपी एट एफ सी, क्योंकि लास्ट में एटलीस्ट किसी भी मेथड से करें तो फाइनल तो हमें मालूम है नेशनल इनकम पर, तो हम क्या करेंगे, जी से एन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, और डी से एन में जाने के लिए प्लस एन एफ वाई ए, फिर एमपी से एफ सी में जाने के लिए माइनस एन आई टी। तो इसमें से ये सारा प्रोसेस करेंगे तब ये आएगा हमारे पास, तो इससे मेथड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये बस जो मैंने बताया ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में था, एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में मैंने आपको एक एक टर्म बिल्कुल क्लियरली बता दिया। तो इन चार चीजों को याद रखना जो लास्ट में मैंने बताया, इन चार चीजों के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें ये पॉइंट्स काम आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यूमेरिकल्स करेंगे इस मेथड के, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए।